नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको वीएमसी मशीन के कंट्रोल पैनल से आप एम कोड की लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि किस एम कोड से कौन सा फंक्शन एक्टिवेट हो रहा है वो चीज़ आपकी मशीन में पहले से ही अवेलेबल है। तो ये चीज़ आप कैसे देख सकते हैं कि आपकी मशीन कौन सा एम कोड रीड करती है, इस चीज़ को पूरा डिटेल में समझने के लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप एम कोड की लिस्ट देख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको फॉलो करने होंगे मेरे कुछ सिंपल स्टेप्स और आपको ले चलते हैं ग्राफ मोड में। ग्राफ मोड में जाने के लिए आपको इनपुट पैनल पर जो ऑफसेट की बटन होता है उसके नीचे वाला जो बटन है जिसको ग्राफ बटन बोलते हैं, इस बटन को आप प्रेस करेंगे। ऑफसेट बटन को प्रेस नहीं करना है, ग्राफ बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप ग्राफ बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में आपको दिख रहा है AMS लिखा है, क्योंकि ये मशीन जो है AMS मशीन के लिए है, बट अगर कोई दूसरी मशीन है तो वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। मतलब कोई भी मशीन रहे, आप ये बटन जब भी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन जरूर आएगी। यहाँ पर आपको सॉफ्ट की में दिखेगा SPCL, एम कोड, पैरामीटर, ATC, एलिमेंट लिस्ट, तो ऐसी लिस्ट बन के आएगी। यहाँ पर आपको एम कोड जो बटन लिखा है उसके नीचे वाला जो सॉफ्ट की है इसको प्रेस करना है। जब आप एम कोड को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं STD, CLNT, OPT, FIXT इस टाइप के कोड बन के आ रहे हैं। इनका मतलब होता है स्टैंडर्ड एम कोड्स, कूलेंट, सीक्वेंस एम कोड्स, ऑप्शनल एम कोड्स, फिक्स्चर एम कोड, और इसके बाद दिया है रिटर्न की। अगर आपको वापस जाना है तो आप ये वाला बटन दबा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी एम कोड खोल के दिखाएंगे। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड एम कोड ओपन करिए। तो आप जब स्टैंडर्ड कोड ओपन करेंगे तो आपके सामने M00, M01, 2, 3, 4, 5, 6 सभी M कोड जो है ओपन हो जाएंगे। ये सभी M कोड ओपन करने के लिए आप जो है प्रीव्यू और नेक्स्ट बटन, ये जो बटन है इसको प्रेस करके आप नीचे और ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करीब 25 M कोड हैं, जिसमें आपको M98, M99, M185 सभी एम कोड के बारे में बताया गया है कि ये कौन सा कोड किसके लिए यूज करना है। कई बार मशीन टू मशीन थोड़ा सा चेंजेस रहता है, तो आप पहले ये देख लीजिए प्रोग्राम बनाने से पहले कि कौन सा कोड किसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ये हो गए आपके स्टैंडर्ड एम कोड्स। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरे कोड्स। रिटर्न की को प्रेस करेंगे फिर वापस जाएंगे। अब हम आपको कूलेंट सीक्वेंस कोड दिखाते हैं। कूलेंट में आपको मिलेंगे कि कूलेंट कहां से पास कराना है। आप जानते हैं कि वीएमसी मशीन के अंदर हम स्पिंडल के अंदर से भी कूलेंट को पास करा सकते हैं, अलग से भी कूलेंट को पास करा सकते हैं, तो ये सबके अलग अलग ऑप्शन है। M07 फ्लड कूलेंट ऑन, M09 फ्लड कूलेंट ऑफ, M52 कूलेंट थ्रो स्पिंडल, M48 बेस पुश फ्लश सीक्वेंस ऑन, M181 बेस फ्लश कूलेंट ऑन, तो ये सभी ऑप्शन होते हैं जिनके थ्रू हम अपने कूलेंट को पास करा सकते हैं। अपने ऑपरेशन के हिसाब से हम अपने कूलेंट को कहां से पास कराएंगे ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कौन सा एम कोड यूज करें। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। अब हम आपको दिखाते हैं ऑप्शनल एम कोड्स। ऑप्शनल एम कोड में आते हैं M12, 13, 22, पैलेट को रोटेट करना है, पैलेट को अनलोड करना है, लोड करना है, क्लैंप करना है, डीक्लैंप करना है। इसमें कई सारे ऑपरेशंस आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे प्रोब लगानी है, ऑफसेट लेने के लिए प्रोब का भी यूज करते हैं, सेटिंग करने के लिए, डोर क्लोज डोर ओपन करने के लिए कौन सा कोड यूज करना है वो यहाँ पर दिया रहेगा। तो इसमें से आप अपने ऑपरेशन के हिसाब से जब प्रोग्राम बनाओगे तो यहाँ से निकाल सकते हो। क्लियर। इसी तरह से ये फिक्स्चर के लिए है। जब आप फिक्स्चर के लिए एम कोड ढूंढोगे तो यहाँ पर आपको फिक्स्चर के लिए मिल जाएंगे, कौन से फिक्स्चर के लिए, क्लैंपिंग के लिए कौन सा एम कोड यूज करना है, डी क्लैंप के लिए कौन सा यूज करना है, तो ये सब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। रिटर्न की से आप वापस चले जाइए और अगर आपको ग्राफ देखना है तो पैरामीटर के बगल में जो बटन है ग्राफ बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है ग्राफ बन के आ जाएगा, 2D व्यू में आ जाएगा और 3D व्यू में भी आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आपको ये जानकारी हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोज हम बनाते रहेंगे जिससे आपको मशीन के अंदर किस ऑपरेशन में
कौन सा कोड यूज करना है ये सब हम आपको आगे धीरे धीरे बताएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर लाइक करें और कमेंट में बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।